मेरा नाम परमार प्रवीण भाई है, मेरा गांव ढूंढी। कई जगह गर्मी की सीजन होती है, तभी पानी की कमी बहुत होती है। हमारे गांव के किसान डीजल इंजन से खेत के इरिगेशन करते हैं। कि पहले हम जो डीजल पंप चलाते थे उसमें धुआं आता था, धुआं होने की वजह से, कार्बन उत्सर्जन होने की वजह से घर नज़दीक होते हैं तो उसमें के छोटे छोटे बच्चे पर और उस पर असर पड़ती थी और उसको बीमारी हो जाती थी। डीजल ले आ जाओ ऊपर तुझे आने वो बगीचा था पाव यानी खर्च होता था तो बकरे ताले पाव 4-5 लाख तो 10 दिन 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा उस डीजल इंजन के पीछे चला जाता है। उसकी वजह से हम जो क्रॉप लगाते हैं उसमें हमें बहुत परेशानी होती है, हमें सही टाइम पे भी पानी नहीं मिल पाता। अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ पढ़ाई में भी थोड़ी कमी रह जाती है। Small and marginal farmers struggle to have access to large irrigation projects. What's happening currently in India is because of unreliable daytime power. A lot of farmers depend on diesel, and diesel is not just highly polluting but also increasingly more expensive. So it's really not a sustainable option. कई किसान भारत में खुदकुशी कर रहे हैं, तो उनको क्या रीजन यही होता है कि उसको सही टाइम पे पानी नहीं मिलता है, उसको सही टाइम पे बिजली नहीं मिल रही है। This day is the sunrise of new hope. The world must turn to sun to power our future. The idea of the International Solar Alliance was born in 2015 when India and France came together on the first day of the Paris climate negotiations. The collective idea was, here is an opportunity for a developing country to bring other developing countries together to focus on their core problems. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. There's been exponential growth of solar in India in the last few years. So right now we have several very successful and very positive solar pump case studies happening in various parts of the country. So implementation will play a very key role in making sure that it's a success. In India, there are about 30 million irrigation pump sets running on electricity or on diesel. If you convert even 15% of those pump sets to solar-based irrigation, that itself creates a capacity of about 20,000 megawatts of solar. In order to reach that kind of scale, we need to make sure that it's farmer friendly and that the implementation is done in a smooth way going forward. पहले क्या था कि हमारे पास डीजल पंप था, तो हमारे गांव में एक संस्था आकर हमें बताया कि हम आपके गांव में एक सोलर से चलने वाला पंप देंगे और जो बचेगी बिजली हम आपको गवर्नमेंट के बेचने के लिए एग्रीमेंट करवाएंगे। योजना माटे जोड़ा हुआ जो ये शुरू किया हुआ तुम्हारे मुंह पर। हमारे गांव के किसानों को ऐसा लगता था कि ये सोलर सिस्टम तो क्या, अपना पंप चलाएगी या नहीं चलाएगी, वो तो बहुत महंगी चीज़ें होगी, वो ख़राब हो जाएगी तो आप उसे मेंटेनेंस कैसे कर पाएंगे और उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो उसमें से हमें 40 किसान ऐसे थे हमारे गांव के जो डीजल पंप चलाते थे, उसमें से केवल हमारे साथ 6 किसान जुड़े। दिख लागे थी मैंने क्या क्या सोलर प्लांट लाइए, तो मैं हम कहूँ के प्लांट लाइए तो मैंने बीख लागती थोड़ी तो मैं हाँ पाड़ी थी। मैं वो कहूँ तू कि भाई तू आ खर्चा करो सू तो हम अपने फायदा रहे। ये सोलर पैनल है, उसको ऐसे घुमाते हैं
इस सोलर पंप हमारे गांव में आने से हमारे गांव में बहुत चेंजेज हुए हैं। अभी तो पहले हम क्या करते थे कि खेत में जो क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप को अच्छी तरह पानी नहीं मिलता तो उसकी वजह से क्रॉप जल जाती है, पर सोलर पंप आने की वजह से हम सही टाइम पे उसको पानी देते हैं तो हमारे क्रॉप में भी परिवर्तन हुआ है। हमारे क्रॉप में 20-25% की बढ़ोतरी हुई है, उससे भी वो अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किया है। जैसे कि मेरी पत्नी ने एक गाय खरीदी है, मेरे एक चाचा की लड़की ने उसका नया बिजनेस स्टार्ट किया सब्जी बेचने का। हमारे वातावरण में हरियाली हो रही है और हमें ग्रीन एनर्जी मिल रही है, उससे हमारी कई बीमारी या रोकी जा रही है। भारत में सूर्य को पूरे जीवन का पोषक माना गया है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसे चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो हमें प्राचीन दर्शन के संतुलन और समग्र दृष्टिकोण की ओर देखना ही होगा। फ्रेंड्स, हम सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में भी सोलार क्रांति चाहते हैं। द फ्यूचर ऑफ ISA rests with the people who will deploy these technologies, who will develop these technologies, and with the governments that will facilitate that. It is a win-win situation for the government and the farmers, because if you know that power is available, you can plan your crops, you can benefit in a large number of ways when the power supply is adequate. When there is collective effort, they all make sure that it succeeds. This opportunity of energy transition, moving from fossil fuels to renewable energy, presents an opportunity, like a golden opportunity really, to make sure that this energy transition becomes a people-powered energy transition. तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसी मंडलियाँ हर एक भारत देश में होनी चाहिए, हर एक राज्य में होनी चाहिए। तो उससे किसान को अच्छी क्वालिटी की बिजली मिलेगी, तो उससे अपना क्रॉप में भी वो बढ़ोतरी कर पाएगा और वो एक्स्ट्रा इनकम भी कमा पाएगा, तो उससे कई किसान खुश हो पाएंगे।